जैन साथियों, मैंने आज गुजरात में हुई 55 लोगों की मौतों का मामला उठाया। एक बहुत बड़ी घटना गुजरात में हुई नकली शराब पीने के कारण। उस प्रदेश में जहां पे शराबबंदी है घोषित तौर पे, वहां पर 55 लोगों की जान चली गई, 55 लोगों की मौत हो गई और अभी भी बहुत सारे लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मैंने उनका मुद्दा सदन के अंदर उठाया, राज्यसभा में कल भी आवाज़ उठाई, आज 267 के तहत नोटिस दिया। बार बार मैंने चेयर से मांग की, सरकार से मांग की कि सदन में आके इस मुद्दे पे जवाब दें। प्रधानमंत्री जी भी गुजरात से हैं, गृह मंत्री जी भी गुजरात से हैं, वो आए और बताएं कि नकली शराब का धंधा गुजरात में कैसे चल रहा है, कैसे हमारे 55 गुजरात के भाइयों की जान चली गई। लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया, मुझे सस्पेंड कर दिया गया है, मुझे निलंबित कर दिया गया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मैं अभी भी सदन में मौजूद हूं, राज्यसभा के अंदर हूं, मैं गुजरात में हुई मौतों का मामला उठाता रहूंगा, नकली शराब से हुई मौतों का मामला उठाता रहूंगा। ये आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, हम सब लोग मिलकर जनता के बुनियादी मुद्दों पर अपनी आवाज़ संसद और सड़क दोनों जगह बुलंद करते रहेंगे। और इसलिए मैं अभी यहाँ पर पूरी मजबूती से बैठा हूँ और जब 2 बजे अभी सदन शुरू होगा तो फिर ये नकली शराब का मुद्दा उठाऊंगा, गुजरात में 55 लोगों की मौत का मुद्दा उठाऊंगा और गुजरात के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगूंगा। गुजरात के मुख्यमंत्री को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जय हिंद।